हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एलेन एकेडमी पे। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि द अंडमान एंड निकोबार पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है और इसके साथ ही साथ उसकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री फॉर्म है। आपको फिल करना है, पेपर देना है और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली जितनी भी जॉब्स होंगी, गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, प्राइवेट जॉब्स होंगी, उसको मैं अपने चैनल पर अपडेट करता हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिल जाएगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, वो लोग भी फॉर्म फिल कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, द अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है। अगर हम पहले बात कर लें कि सैलरी क्या होने वाली है, तो लेवल 6 पे आपकी 9,300 से 34,000 तक की सैलरी होगी 4200 ग्रेड पे पे। और यहाँ पे दो वैकेंसीज़ हैं, सिविल के लिए है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है। सिविल के लिए इंडिविजुअली अलग है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए कम्बाइंड है। तो यहाँ पे दो वैकेंसीज़ हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि ये ऑल इंडिया से कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है कि सिर्फ अंडमान या निकोबार या उस साइड के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप उस एज के अंदर आने चाहिए। एज लिमिट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 18 साल से 30 साल है और फीमेल के लिए 18 से 35 साल है। और मैं एक बार और बता दूं कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट है, डिप्लोमा कंप्लीट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर्स यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो वो भी ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। और अगर डेट की बात करें तो ये 1/1/2019 से स्टार्ट हुआ है, मीन टू से 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 31 जनवरी तक ये फॉर्म चलेगा। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सिविल में डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन से, और साथ ही साथ 60% होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से भी चल सकता है। एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर इंजीनियरिंग किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से होना चाहिए 60% के साथ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली है, बिल्कुल फ्री है। आपको फॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन को सेंड करना है। तो लेकिन सेंटर जो है फ्रेंड्स, सेंटर आपको पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ेगा, पोर्ट ब्लेयर में सेंटर इनका पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा खर्चे वाली बात है कि यहाँ पर आपका थोड़ा खर्चा लग सकता है पोर्ट ब्लेयर जाने आने का, लेकिन फॉर्म की जो फीस है वो बिल्कुल फ्री है। तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप बिल्कुल जाइए, आपके होने के चांसेज हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन है, यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा आपका, रिटर्न टेस्ट होगा आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा और जो क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे। यहाँ पे हिंदी पेपर अलाउ नहीं होगा, मतलब हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चंस होंगे। तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने डिप्लोमा अगर किया है इंग्लिश मीडियम से तो ही आप जाइएगा, क्योंकि हिंदी में पेपर नहीं आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर सिविल, सिविल के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, टोटल मार्क्स होंगे 200 और ड्यूरेशन जो होगा, टाइम जो मिलेगा वो आपको 2 घंटे का मिलेगा। ऐसे ही बात की जाए अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल मार्क्स 200 का होगा, ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूँ, सिविल के लिए तो उनका अपना सिलेबस है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए कम्बाइंड सिलेबस है, मतलब आपको इलेक्ट्रिकल और साथ साथ मैकेनिकल दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल की भी जो बेसिक नॉलेज होगी फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल की भी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपको मैकेनिकल की जानकारी होनी ज़रूरी है। पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 12 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है और एसटी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए अनरिजर्व के लिए 5 और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट हैं। यहाँ पे टोटल मिला के 28 पोस्ट हैं और यही वैकेंसीज़ हैं। आगे मैं बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कैसे करना है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन में है। पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप जो एप्लीकेशन है आपका प्रिंट है उसका प्रिंट निकालेंगे।
एप्लीकेशन जो फिल करेंगे उसका प्रिंट निकालेंगे, उसके साथ जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कास्ट, आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ नोटिफिकेशन में दिया होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे और ये जो फॉर्म दिया हुआ है नोटिफिकेशन में इसको फिल करेंगे और सबको एक साथ अटैच करके सेंड करना है। डिक्लेरेशन भी दिया हुआ है उसको भी फिल करके साइन करना है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये डिक्लेरेशन है तो इसको भी आपको साइन करके उसी फॉर्म के साथ अटैच करना है और टोटल सबको एक साथ स्टेपल करके दिए गए पते पर भेज देना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा और आपको पेपर देने के लिए पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंजीनियर्स के लिए। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि आपका हो सकता है, तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। चांसेस अच्छे हैं, सैलरी अच्छी है और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।